Hey everyone, welcome again in the Gwinnett technologies and uh, this is the second lecture of the CCNA, right, the, the series of the, our previous session. So in previous class, like we understand about the network component, few component we understand, only we understand about the router switches, how the basic connectivity is going on, on the router switches, so which all I explained to you. And if you're having still any doubt, you can just reach out to us. You can put your query in the comment box of the YouTube channels if you're watching there, right? you're not joining the live session, there is no problem. So we understand how the PC can be connected with the routers. Router how can be connected on the internet and to make this particular connections from one PC to another PC what all component is going to be required to make this reachability. So we discuss about the PC Wi-Fi router, NIC, RJ45 cable connector. We discuss about the router switches and why you need a router. Why you need a switch. Now, it's time to understand. What is the layer 2 and layer 3 switch, right? So we understand about the switch, but we just also have to understand what is the layer 2 switch and what is the layer 3 switch? Okay. So there is two component here you also you can see here we having a switch we having a router this switch could be layer two switch right layer two switch and could be layer three switch right? so why we use a layer two switch and hamed dusra is called layer three switch key to use right again in hindi because sometimes my bulja town ki hindi amara series. तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ बट कोई बात नहीं थोड़ा बहुत चलता है सो so, ये जो स्विच है ये इसको हम लेयर भी यूज कर सकते हैं लेयर भी यूज कर सकते हैं ये कैसे होता है क्या मतलब होता है तो देखो मैंने एक फंक्शनलिटी बताया था कि स्विच हम यूज करते क्यों है स्विच हम यूज करते हैं ताकि हमारी एक पोर्ट की समस्या होती थी कि अगर आपने एक राउटर लगा लिया जिस गोल सिंबल इज राउटर इस राउटर को आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया कर सकते इस पे, चार सकते। लेकिन आपको तो दस पीसी हो तो कैसे कनेक्ट होते नहीं कर सकते हो तो इस पोर्ट्स पोर्ट की प्रॉब्लम होती थी तो हमने क्या किया है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक स्विच लगा दिया अब ये स्विच जो है ना ये इस प्रॉब्लम की सिर्फ एक केबल चाहिए और ये स्विच आपके लगा दिया ये स्विच पे आपके 24 पोर्ट मिनिमम हो सकते हैं 48 हो सकते हैं 12 हो सकते हैं डिपेंड करता है कि स्विच का मॉडल कौन सा है तो आपके पास अगर 24 पोर्ट्स हैं इस तरीके से कुछ आपके स्विच पे तो आप एटलीस्ट मिनिमम 24 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो मतलब 24 पीसी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्विचेज पे अलग अलग पोर्ट्स पे तो आपकी ये जो समस्या थी वो खत्म हो गई अब ये बात करते हैं कि ये स्विच भी लेयर टू स्विच हो सकते हैं और लेयर थ्री स्विच हो सकते हैं अब लेयर टू का मतलब क्या होता है लेयर टू का मतलब ये होता है कि जब भी हम लेयर टू की बात करते हैं तो वो जो स्विच होगा वो आपको राउटिंग नहीं कर सकता है अब ये राउटिंग क्या होता है आप लोगों को नहीं पता है तो आप इसको इस तरीके से समझो कि हमारे जो मशीन होती है जाके आप सी खोलो अपना ठीक है आप इसको सीएमडी खोलो जाकर अब सी में जाकर यहाँ पे आप अपनी मशीन की इंफॉर्मेशन चेक करना है मतलब इस मशीन को क्या आईपी मिला हुआ है तो इसपे एक कमांड जाके चलाओ आप आई पी कॉन्फिक हूं आप लोग सारी चीज देख सकते हो देखो इसमें आपको दिख रहा है तो इसपे दो चीजें हैं इस पे दो हैं दो चीजें एक आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लिंक लोकल आई पी वी सिक्स एड्रेस आई पी वी फोर एड्रेस दिख रहा है आपको दो चीजें दिख रही है तो ये जो चीजें दिख रही है ना आपको लिंक लोकल आईपी बेसिक एड्रेस एंड आईपी वी एड्रेस इसको हम बोलते हैं लेयर थ्री एड्रेस क्या बोलते हैं इसको हम लेयर थ्री एड्रेस इसको हम बोलते हैं यहां पर लिख देता हूं मैं लेयर थ्री एड्रेस सो इस लेयर थ्री एड्रेस के थ्रू हम अपने डिवाइसेस को आईपी देते हैं जिससे वो बाहर के इंटरनेट की दुनिया से बात कर सके बिना आईपी के आप इंटरनेट की दुनिया से बात नहीं कर सकते हो इसलिए बोलते हैं इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका नाम ही होता है आप लोग यहाँ लिख लो इंटरनेट प्रोटोकॉल सो इस इंटरनेट प्रोटोकॉल से हम बाहर की दुनिया से बात करते हैं एक तो हो गया आईपी दूसरा हमारा होता है एक मैक एड्रेस होता है जो हर एक डिवाइस का एक अपना मैक एड्रेस होता है जैसे ये पीसी होता है ठीक है मैक एड्रेस क्या होता है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल राइट सो यहाँ मैक पे आप जाते हो यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आप टाइप करोगे मैक फुल फॉर्म, आपको यहाँ दिखेगा आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ठीक है तो ये कोई भी आप पीसी खरीदते हो राइट right? तो so उस पीसी का एक अपना खुद का मैक एड्रेस होता है राइट right? सो so इस पे आपका मैक एड्रेस मैं दिखाता हूँ जैसे मैं पीसी खरीदा तो इसको कैसे जाएंगे माई पी पे मुझे पता ही भी नहीं है सिस्टम पे कैसे जाते हैं so, मिनट रुको मैं देखता हूँ कुछ या यहाँ से इसकी मैं अगर प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ मुझे डिवाइस आईडी मिल रहा है और मैक मुझे कहीं दिख रहा है क्या सो so, डिवाइस नेम रैम डिवाइस आईडी प्रोडक्ट आईडी

अब देखो यहाँ पे मैक आपको चलाना ये वाला कमांड है आपको चलाना क्या कमांड है अब अपने पे ये चला देना जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे ना आपको फिजिकल एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है देखो यहाँ पे ये यह जो फिजिकल एड्रेस होता है ना इसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस यहाँ पे ये मैक एड्रेस तो ये जो मैक एड्रेस होता है आपका देखो वाई जो राउटर है उसका भी मैक एड्रेस दिखाई ये वाईफाई के लिए देखो वायरलेस लाइन एडाप्टर के लिए है एक ये वायरलेस लाइन एडाप्टर के लिए है, वायर्ड होगा तो उसके लिए भी अलग दिखेगा आपको मैं दिखाता हूँ दिख क्या मैं इसको हटाता मैं दिखाता हूं क्या ये वायरलेस है, है ये इधर ने देखो ये वायर्ड है इसका मैक एड्रेस है सबका अलग अलग है इसका वायरलेस अलग है लाइन लाइन जितने वायरलेस चार लाइन है चारों को दिखा रहा है तो ये सारे चीजें आपका मैक एड्रेस दिखा रहा है और इस तरीके से आपकी कनेक्शन हो रही है एक सेकंड देना मुझे इस तरीके से आप लोग का ये जो है डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेसेस जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा अब बात हम कर रहे थे कि इस मैक एड्रेस की जरूरत होती क्या है राइट right? सो so, इस मैक एड्रेस की जरूरत इसलिए पड़ती है या लेयर टू जो होता है डिवाइस वो लेयर टू जो डिवाइस वाला स्विच होता है ना वो आपका कभी भी आईपी को अंडरस्टैंड नहीं करता है दे डोंट नो अबाउट आईपी उसको हम बोलते हैं स्विच और उसमें भी कौन सा स्विच लेयर टू स्विच तो जो लेयर टू स्विच आपका होगा वो आईपी को अंडरस्टैंड नहीं करेगा मतलब आप चाहते हो कोई आईपी के थ्रू से कम्युनिकेशन करा लें तो वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसको आईपी के बारे में पता ही नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ वो मैक एड्रेस को समझता है ठीक है ये तो लेयर टू स्विच हो गया तो अगर आपको दो पीसी हैं ठीक है आप समझो कि एक पीसी आपका वन है और एक पीसी आपका टू है और एक पीसी आपका थ्री है ये ये पीसी आपका टू हो गया अब इन तीनों का आपको घर में बात करनी है मतलब कोई गेम खेलना है कोई फाइल शेयरिंग करनी है या कुछ भी आपको चैट करना इंटरनेट पर नहीं जाना घर के अंदर ही बात करना है तो आपको इनसे बात करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आप एक बीच में स्विच लगा दो क्योंकि आप तीनों में तो कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक एक पोर्ट ही होते हैं तो ये पहला स्विच पे जाएगा फिर ये स्विच पे जाएगा ये स्विच पे जाएगा ये आपका स्विच हो गया और इनको आपस में आप बात करा सकते हो थ्रू द एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में एक ही मैक एड्रेस टेबल के थ्रू इनको आपस में बात करा सकते हो अभी ये पूछो कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है तो वो मैं बाद में बताऊंगा अभी आप इस वर्ड को लिख लो मैं यहां लिख देता हूं ब्रॉडकास्ट डोमेन ठीक है तो एक वर्ड होता है इसको आप लिख लो आगे हम बात करेंगे ठीक है कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट क्या होता है मल्टीकास्ट क्या होता है यूनिकास्ट क्या होता है जो हम आगे बात करते जाएंगे लेकिन सब कुछ नया है आपके लिए मुझे पता है लिए सब पता है लेकिन आपके लिए तो नया है क्योंकि आप नेटवर्किंग सीख रहे हो तो इस तरीके से बात कर सकता है तो लेयर टू स्विच बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ मैक अंडरस्टैंड करता है इसको आईपी के बारे में नहीं पता होती है बट जो लेयर थ्री स्विच होता है ये क्या करता है ये मैक भी समझता है प्लस आईपी भी समझता है तो अब हम बात कर रहे थे कि हमें स्विच के लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास पोर्ट की संख्या कम हो तब तो ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम जो राउटर है उसको रिप्लेस करके हम डायरेक्टली एक ऐसा डिवाइस लगा दें जिससे मेरा इंटरनेट को भी कनेक्ट कर दे और मेरा पोर्ट का भी समस्या खत्म कर दे तो क्या ये पॉसिबल है यस इट इज पॉसिबल उसके लिए आप क्या करो आप लगा दो लेयर थ्री स्विच अब ये लेयर थ्री स्विच है इसके अंदर आपको पोर्ट्स भी दुनिया भर के मिल जाएंगे और साथ में आपकी इंटरनेट की दुनिया से भी कनेक्ट करा देगा ये ये इंटरनेट से भी कनेक्ट करा दिया तो आपका वैन भी मिल गया और आपका लैन भी मिल गया तो राउटर की जरूरत नहीं पड़ी आपकी काम खत्म सो तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच अगर आपकी कोई ऐसे रिक्वायरमेंट है जहां पे आप राउटर का पैसा बचाना चाहते हो और चाहते हो कि मेरा एक ही डिवाइस हो पैसा के साथ साथ उसको पावर भी चाहिए होगा उसकी मेंटेनेंस भी होगी आपकी तो स्विच भी लगाना पड़ेगा और एक राउटर भी खरीदना पड़ेगा दो डिवाइस खरीदना पड़ेगा तो उसकी बजाय आप एक ही डिवाइस खरीद लो ना लेयर थ्री स्विच जो आपका लेयर टू का भी काम करेगा और लेयर थ्री का भी काम करेगा मतलब ये मैक भी समझेगा प्लस ये आईपी भी समझेगा तो ये हमारा लेयर थ्री स्विच करता है ठीक है अब इसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या इसके लिमिटेशन होते हैं किस कंडीशन में इसको लगा सकते हैं किसके बारे में नहीं लगा सकते है? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट अभी ये समझो आप कि लेयर टू स्विच सिर्फ मैक को समझता है लेयर थ्री स्विच आपका मैक प्लस आईपी को दोनों समझता है अगर आप राउटर को रिप्लेस करके लेयर थ्री स्विच लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो आपका स्विच का और राउटर का दोनों काम कर देगा मतलब ये स्विच का भी काम कर देगा राउटर का भी काम करेगा तो पर्पस आपका सोल्व हो जाएगा तो ये तो हो गया आपका लेयर टू स्विच के बारे में ठीक है अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फर्दर है कि हमारा फायरवल अब ये क्या होता है सो so, फायरवल जो होती है देखो कोई भी पीसी आप खरीदते हो राइट right?

अब इस कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया राइट या मान चलो कोई मालवेयर आ गया या कोई ऐसा बंदा है कि कुछ आपकी इंटरनल चीजों को एक्सेस करना चाहता है और आप नहीं चाहते हो कि वो एक्सेस कर पाए जैसे कोई ऐप के थ्रू एनी कनेक्ट एनी डेस्क के थ्रू वो आपके चीजों को एक्सेस करना चाहता है और नहीं चाहते हो कि वो कर पाए तो वो कैसे उसको कंट्रोल कराएंगे राइट सो so, उसके लिए आपको फायरवल को टर्न ऑन करना पड़ता है इसमें आपको ब्लॉक कर देगा ऑल इनकमिंग कनेक्शन इंक्लूडिंग इन द अलाउड ऐप तो हो सकता है कि कोई इंटरनेट की दुनिया से आपके इस पीसी को एक्सेस लेना चाहे तो नहीं ले सकता है सो so, फायरवल एक तरीके से हमारा क्या होता है देखो फायरवल हमारे नेटवर्क डिवाइसेस को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसा दिखता है नेटवर्क फायरवल फायरवल हमारे नेटवर्क डिवाइसेस को एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है मतलब कोई भी बाहर से बंदा हमारे देखो वे वैन है इस डिवाइस को समझो आप लोग ये देखो यहाँ पे वैन है हम मान के चलो कि यहाँ पे लैन है इस पे एक यूजर बैठा हुआ है ये भी लैन है एक टीवी चल रही है दूसरा बंदा लैपटॉप बात कर रहा है राइट और बीच में एक फायरवॉल है और ये आपका वैन है बाहर की दुनिया है अब बाहर में हैकर हो सकता है राइट ये हैकर सोचेगा कि यार मैं ना इस बंदे का ना कंप्यूटर हैक कर लेता हूँ इस सर्वर को मैं हैक कर लेता हूँ अगर यह फायरवल नहीं होगा तो सिंपली आएगा और जाकर आपको हैक कर लेगा लेकिन अगर लगी होगी, तो यह क्या करेगा Just stop you. जैसे आप इस तरह समझो कि जैसे आपकी एक बिल्डिंग होती है राइट ये आपका घर हो गया ठीक है आपके घर के अंदर एक लॉक लगा होगा एक डोर लगी होगी राइट क्लियर तो जब भी कोई बाहर से बंदा आएगा आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा आपके घर के अंदर बहुत सारे नेटवर्किंग है मान के चलो आपका किचन है आपका बेडरूम है आप नेटवर्क डिवाइस की तरह सोच लो उसको तो जब भी बंदा आएगा आपके बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो बंदा पहले तो आपके लॉक को डोरबेल बजाना पड़ेगा या अगर वो मान के चलो कि थेप करने आया कोई चोर है कोई रॉन्ग बंदा है तो वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा लॉक तोड़ने की कोशिश करेगा को को लगेगा ना, इतना से जाएगा वो। तो तो हो सकता है कि आप उसको ये आपको सिक्योरिटी एक, एक तरीके से आपको, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है ठीक इस तरीके से आपका सोसाइटी है जहां आप रहते हो उसमें या कोई ऑफिस में आप जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो भी फायरवर्ड की तरह काम करते हो आप उनकी कंपनी में घोषित कोशिश करोगे तो बंदे क्या करेंगे वो पहले आपकी आइडेंटिटी पूछेंगे कि भाई तुम सही हो गलत हो तुम अलाउ हो अंदर जाने के लिए नहीं जाने के लिए अलाउ हो तो जब आप उसको अलाउ हो गए अंदर जाने के लिए तब तो उसको जाने देंगे नहीं अलाउ हो गए तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देंगे और आपको अंदर जाने नहीं देंगे तो वो भी एक तरीके से फायरवर्ड के काम करते हैं इसी तरीके से कोई भी इंटरनेट पर बैठा हुआ आदमी जैसे ये आदमी बैठा हुआ इंटरनेट पे राइट ये सब बैठे मांग के चलो सारे हैकर हैं अब ये कोशिश करेंगे कि आपके कंपनी में ना इंटरनेट के थ्रू घुसने के लिए लेकिन ये फायरवॉल नहीं होगा तो ये डायरेक्ट घुस कर आपके कंप्यूटर को हैक कर लेंगे आपके पीसी का एक्सेस ले लेंगे और आपके जितने फोल्डर होंगे आपने शादी की फोटो रख रक रखा होगा आपने अपने बच्चों का फोटो रख रक रखा हो सारे चोरी कर लेंगे या हो सकता है कि आपने कुछ इंपोर्टेंट ऐसे सीक्रेट चीज रखा हो सारे हैक कर लेंगे और बोलेंगे पैसे दोगे तब मैं तुम्हें दूंगा तो ये फायरवॉल जो होता है ना उस टाइप के जो अटैक्स होते हैं जो अनऑथोराइज कनेक्शन होते हैं उसको ब्लॉक करता है मतलब उसको डिनाई कर देता है नहीं तुम अलाउ नहीं हो तुम भैया तुम नहीं अंदर घुस सकते हो मतलब एक तरीके से एक लगता हुआ दीवार आग का देख रहे हो आग यहाँ लगी पड़ी है ना एक्चुअली इसका मीनिंग यही है ट्रस्ट मी ये धकता हुआ आग का दीवार ये जिसको बोलते हैं फायर वॉल फायर वॉल का मीनिंग अगर समझोगे ना देखो मैं दिखाता हूँ जो मैं बता रहा हूँ उसका कुछ ऐसा ही मीनिंग मिलेगा हैं फायरवॉल मीनिंग इसको हिंदी में समझो देखो क्या बात है फायर फायरवॉल कहीं तो आ, कैसे रोकती है या मैं इसको इंग्लिश में आप लोगों को दिखाता हूं फायरवॉल मीनिंग इन इंग्लिश को दिखाता हूँ आपका देखो कहीं न कहीं कुछ आपको मिलेगा ये वॉल और पार्टीशन डिजाइन टू इनहेट और प्रिवेंट स्प्रेड लिखता है ना साफ साफ लिखा हुआ कि आपकी एक आग जो लगी हुई है उस आग को रोकने के लिए एक आप दीवार बनाते हो कि जो आपको रोकता है एक मीनिंग तो ये हुआ दूसरा ये हो गया ये नॉर्मल आपका हो गया कंप्यूटिंग में इसका बोलते प्रोटेक्ट नेटवर्क और सिस्टम फॉर एम एक्सेस दैट इज नॉन एज ए फायर ठीक है तो आप जैसे समझो कि एक तरह से आपकी धकती हुई आग की दीवार है अगर इसमें घुसोगे तो जल के राख हो जाओगे जब तक आपको इस प्रोटेक्शन नहीं है राइट आप इसको इस तरह समझो इंटरेस्टिंग समझने के लिए वरना इसको अगर टेक्निकली समझोगे तो इट्स लाइक वन ऑफ द डिवाइस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट एनी ऑनऑथराइज कनेक्शन राइट मैं यहां लिख देता हूं अ हूँ नेटवर्क इसको लिखते हैं सिक्योरिटी डिवाइस इस सिक्योरिटी के पास आता है सिक्योरिटी डिवाइस नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज कनेक्शंस मैं इसको नीचे लिखता हूं अनऑथोराइज कनेक्शन आप लोग इसको लिख सको दिस इज नॉन एज अ फायरवल इसको हम बोलते हैं फायरवल अब इस फायरवल के अंदर ये सारे फीचर होते हैं और ये आपके डिवाइस में आपके नेटवर्क में कुछ इस तरीके से लगता है जो मैंने यहाँ पर लगा दिया है देखो तो यहाँ फायरवल अगर मैं लगा दिया हो सकता है कि इसको पे यहाँ डिप्लॉय में कर दू तो अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा होगा ठीक है तो इसके कनेक्शन जैसे ही राउटर पे आएगा जैसे ही लाइन पे घुसने की कोशिश करेगा तो ये फायरवॉल पहले उसको देखेगा कि इसको अलाउ करना है या इसको हमें ब्लॉक करना है देन इस कनेक्शन को लाइन में जाने देगा तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट करेगा ये आपको फायरवॉल होती है जो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक जानना बड़ा जरूरी है अगर डिटेल में जानना है सीसीएन के बाद इसके लिए अलग मॉड्यूल है हम जिसको कवर कराते हैं फायरवॉल फायरवॉल आपका चेक पॉइंट उसमें आप पढ़ सकते हो अब इसी के अंदर हमारा एक नाम होता है आई पी एस इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम सो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई इजकल टू मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग देख लो बार बार टाइप करने से बोला आई पी एस फुल नेम इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम आप इसको बोलते हैं आ, एक मिनट आईपीएस आईपीएस आईपीएसको फुल फॉर्म इसको लिख लेते हैं यहां पर इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम बोला मैंने ये इसका फुल नेम होता है आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा अब ये क्या करता है तो मैं इसको इसलिए कॉपी किया कि मैं सिंपली अपना जो कहाँ पे मैं था जहाँ भी था यहीं पर तो था यहीं पे चलो यहीं पे ले जाता हूँ ठीक है सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका क्या काम है तो फायरवॉल का समझ आ गया ये भी एक तरीके से फायरवॉल का ही मॉड्यूल है इंट्रोजन क्या होता है कि जैसे आपका नेटवर्क में आपके वायरसेस होते हैं राइट आपके नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या होता है आपके पास वायरस आ जाएगा ठीक है आपके पास मालवेयर आ जाएगा राइट मालवेयर अटैक हो जाएगा वनबिलिटी अटैक हो जाएगा राइट सो so मैं यहाँ देख देता हूँ शॉर्ट में वनबिलिटी अटैक हो जाएगा कोई डॉस अटैक हो जाता है राइट या कोई इससे अलग टाइप का कोई वायरस एक्सेट्रा बहुत सारे हमारे दुनिया में चीजें हैं जो हमारे नेटवर्क को अफेक्ट कर सकती हैं सो so, ये सारी चीजें हमारे आईपीएस के अंदर आते हैं तो उससे हमारा आईपीएस क्या करता है देखो एक होता है आईपीएस एक होता है आईडीएस एक इंट्रूजन डिडक्शन सिस्टम होता है एक डिडेक्ट करता है एक प्रिवेंट करता है सो so, डिडक्शन वाला काम जो होता है आईडीएस जिसको बोलते हैं कि ये आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके नेटवर्क में कुछ हुआ कोई वायरस या कोई अटैक आया प्रिवेंशन का काम होता है कि आया तो उसको प्रिवेंट करना उसको मारना ठीक है उसको ख़त्म कर देना ठीक है तो इसी तरीके से अगर इसको फंडामेंटल जाते हो या आपको सी सी बुक में मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूं अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आई पी सो एक मिनट एंट्रोजन सिस्टम कोई तो बाद में मैं आपको दिखा दूंगा बट यहां से दिखाता हूँ कोई दिक्कत नहीं तो देखो इसमें क्या होता है कि एंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है एक इसका काम क्या होता है कि एक हमारे पास फायर में ना मॉड्यूल होता है जो हाई जो स्किल्ड हमारे पास वायरस हैं मालवेयर हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट सिग्नेचर के साथ आ रहे हैं बाहर से आपको अटैक करने के लिए उनको डिटेक्ट करना होता है और आईपीएस को उसको प्रोटेक्ट करना होता है मतलब वो जैसे ही आए उनको किल करके आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना होता है राइट सो so, अभी क्या होता है कि जैसे देखो कि आपका जो बहुत टाइप के वायरस मैंने बताया था कि वायरस होते हैं जो आईपीएस आईडीएस होते हैं जो सिग्नेचर बेसिस पे इसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद ये सारे आपके चीजों को ब्लॉक करते हैं तो अगर आप इसको बेसिकली जब फार पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएगी बट आपको सीसीएन में इतना समझना है कि आईपीएस जो होता है कुछ हमारा एक फायरवॉल के अंदर हमारे एक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है जो किसी टाइप का को कोई वायरस आता है कोई बैड सिग्नेचर आता है उसको आपको उससे प्रोटेक्ट करना है राइट right? सो so, इसको अगर थोड़ा सा देखोगे तो आईपीएस सेंसर एनालाइज द पैकेट एज सुन एज दे कम इन टू द आई एस पी सेंसर इंटरफेस द आईपीएस सेंसर यूजिंग द सिग्नेचर मैच द मलेसियस ट्राफिक सो मलेशियस ट्रैफिक क्या होता है यही होते हैं वायरस मालवेयरिटी अटैक जितने मलेशियस ट्रैफिक होते हैं ना उनको वो समझता है कैसे समझता है कि इस पैटर्न का कोई डेटा आपके पास आए तो आप समझ जाना कि ये डेटा मेरा जो है मलेशियस है और ये हमारे नेटवर्क के लिए सही नहीं है तो बेसिकली वो जो है आपका वायरस के साथ है और उसको आपको आइडेंटिफाई करके कर उसको किल करना है तो ये काम जो है करता है आपका आईपीएस सो द सिग्नेचर एंड अटैक स्टॉप देम इमीडिएटली देखो उनको किल करना मतलब जैसे ही उसको मिला कि कोई हमारे गलत घुसने की कोशिश कर रहा है कोई वायरस हमारे नेटवर्क में आ रहा है कोई हमारे पर अटैक कर रहा है तो वो आपको पकड़ेगा और वहीं पे मार देगा आपको ठीक है ट्रैफिक इन वायोलेशन द पॉलिसी कैन ड्रॉप बाय द आईपीएस तो वो उस टाइप के ट्रैफिक आपके नेटवर्क में कभी आ ही नहीं सकते हैं ठीक है तो इसको हम बोलते हैं आईपीएस सो so, आपको फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको आईपीएस के बारे में आइडिया हो गया जानना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क के अंदर नेटवर्क फंडामेंटल इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको हर डिवाइस के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपको लगे कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है ठीक है अब हम बात करते हैं एक्सेस पॉइंट की और डब्ल्यू एल सी की देखो दो चीजों में बात करने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना भी इसको एक्सेस पॉइंट एंड डब्ल्यू एल सी अब क्या होता है कि अभी तक पहले इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं कि एक्सेस पॉइंट तो है है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी एक्सेस पॉइंट एल सी को हम बोलते हैं वायरलेस कंट्रोलर एक डब्ल्यू एल सी सो होता क्या है कि सॉरी सो so, अब ये टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं अब वही कहानी है कि ये हमारा राउटर है ये हमारा स्विच है ठीक है कहानी वही है अब पिछली कहानी में हमने क्या सीखा था कि हमारे पास बहुत सारे पीसी थे जिसको कनेक्ट करना था स्विच से हमारे पास पोर्ट नहीं थे राइट तो कैसे करेंगे तो हमने स्विच को लगाया और इन सबको कनेक्ट कर दिया प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया अब एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई अब ये सारे लैपटॉप हैं, राइट ये सारे लैपटॉप हैं राइट और इन अलग-अलग लोकेशन पर बैठे हुए हैं राइट कोई थर्ड फ्लोर पर बैठा हुआ है कोई सेकेंड फ्लोर पर बैठा हुआ है कोई कहीं और बैठा हुआ है सौ मीटर दूर बैठा हुआ है कोई पचास मीटर दूर बैठा हुआ है स्पीच से राइट और इनके पास ना मान के चलो कि नेक कार्ड नहीं है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वायरलेस से ही कनेक्ट हो सकते हैं वायर्ड से नहीं हो सकते हैं और वायर्ड भी अगर मान लेते हैं भी तो पूरे सौ सौ मीटर के वायर नहीं है कि जहां से मैं खींच कर इनके पास केबल लगा दूं तो ये छोटे छोटे वायर है मेरे पास जो इनके पास कनेक्ट करने के नहीं है तब तो मैं क्या करूं कैसे इन पीसीस को मैं इंटरनेट से कनेक्ट करूं ये सारे लैपटॉप को कैसे मैं कनेक्ट करूं ये हमारे पास समस्या है तो मैंने बताया था कि वायर्ड की जो प्रॉब्लम है ना कि आपको केबल दुनिया भर के लगानी पड़ेगी और उस केबल के थ्रू आपको सबकी फिजिकल केबलिंग करनी पड़ेगी मतलब एक एक तार खींच कर आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आर फोर्टी फाइव से तो सौ सौ मीटर के तार खींचोगे यार तो कितनी प्रॉब्लम होगी आपको पूरा केबल ही बिछाना पड़ेगा पूरे दिन बैठ आपको तो यार हर जगह आपको केबल लेके जानी पड़ेगी कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ बैठा हुआ दिस इज नॉट गुड सोल्यूशन ठीक है सो इसका एक सोल्यूशन है कि हम लोग क्या करें कि इस स्विच पे ना एक वायरलेस कंट्रोल लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एल सी ठीक है डब्ल्यूएलसी एल सी और इस डब्ल्यू एल सी को मैंने क्या किया स्विच से कनेक्ट कर दिया हो गया अब ये डब्ल्यू एल सी से क्या होगा कि बहुत सारे एक्सेस पॉइंट मैनेज हो सकते हैं अब दो तरह के एक्सेस पॉइंट होते हैं हमारे पास एक हमारे पास होता है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट एक हमारे पास होता है समझते हमारे पास होता है लाइट वेट एक्सेस ए पी बोल देते हैं लैप जिसको बोलते हैं एल डब्ल्यू पी लैप एल डब्लू ए पी और एक हमारे पास होता है दूसरा एक्सेस पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं स्टैंड अलोन So, ये दो तरह के एपी हमारे पास होते हैं एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास जैसे ये, 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 एपी है। ये वाला ये है। इसके अंदर कुछ एंटीना लगा हुआ है, एक एपी ये हो गया। ठीक है? इसी तरीके से मैं दूसरा एपी यहाँ कनेक्ट करता हूँ इसके अंदर कुछ एंटीना लगा हुआ है तो ये दो एपी मेरे हो गए ठीक है अब ये एपी क्या होगा कि स्विच के किसी पोर्ट से कनेक्टेड होगा और इसको मैं नाम लेता हूँ एपी. एपी एपी इनका काम क्या होता है कि इनका जैसे आपके घर में वाईफाई राउटर होता है ना जैसे ये वाला अगर मैं बात करता हूँ सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ ये जैसे बात कर रहे थे हम लोग ये वाला जो हमारा है इसके अंदर एंटीना लगे हुए हैं ये क्या करते है? हैं सिग्नल को फेंकते हैं बाहर इनके अंदर से बीकंस निकलते हैं राइट सिग्नल्स निकलते हैं जो आपके एरिया में स्प्रेड आउट होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्प्रेड आउट होते हैं राइट <स्थिण> तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये वाईफाई एंटीना भी आपको भेजता है आपके घर में जो आपके वाईफाई राउटर के अंदर इनबिल्ड होता है एक्सेस पॉइंट एंटीना उसके थ्रू निकलते हैं इसी तरीके से अगर आपके ऑफिस में अगर नेटवर्क लगे हुए हैं सपोज करो कि ये आपके स्विच पे लगे हुए हैं कहीं से कनेक्टेड है के चलो इस तरीके से कनेक्टेड है तो ये एपी भी क्या करते हैं कि आपको सिग्नल्स भेजते रहते हैं आपके एयर्स में जितने एपी लगे हुए कुछ इस तरीके से सिग्नल्स भेजते रहेंगे आपको दूर दूर तक तो आपको क्या करना है कि आपको सिग्नल पहुंचेगा वाईफाई रेंज में आपको और आपको इस रेंज में मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ कोई ग्रीन मान के चलो सिग्नल सब उड़ रहा है ठीक है और ये भी फेंक रहा है अपना सिग्नल इधर उधर मान के चलो कि यहाँ पे एक एपी लगा हुआ है इसको मान लो आप एपी लगा हुआ है ये वाला तो ये भी फेंक रहा अपना सिग्नल इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे तो ये ओवर द एयर ये जो पीसी है ना ये वाला जो पीसी है लैपटॉप है ये कनेक्ट हो जाएगा स्विच से आपका ठीक तो मतलब कहने का मतलब एक्सेस पॉइंट का काम होता है कि ये आपको बिना केबल के बिना केबल के आपको एक एक ऐसा इन्वा कनेक्ट करना जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क डिवाइसेस को थ्रू लैन कनेक्ट कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं डब्लू लैन वायरलेस लैन मतलब थ्रू लैन मतलब आप डब्लू लैन के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं वायरलेस लैन आपका लैन ही रहेगा बस आपके केबल हट गए अब ये एक्सेस पॉइंट जो होते हैं ना ये दो तरीके के होते हैं एक्सेस 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 पॉइंट 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 एक एक होता point, एक होता है है का मतलब समझ गया चाहे वो लाइट वेट हो चाहे स्टेंडर लोन हो उसका एक ही काम है आपको सिग्नल देना सिग्नल देने के बाद आप उसके थ्रू सिग्नल ये मेरा वाइप यहां से ध्यान देखो ये जो मेरा लैपटॉप है इसके पर सिग्नल आ रहा है इसमें क्योंकि केबल नहीं कनेक्टेड है इस टाइप का जब सिंबल आप देखोगे समझ जाओ कि मेरा पीसी वाईफाई से कनेक्टेड है एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे एक कॉर्नर में तो ये जो मेरा पीसी है बेसिकली वाईफाई से कनेक्टेड है वाईफाई का सिग्नल मुझे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है वो सारे बार हमारे कंप्लीट है तो मतलब मेरा के बहुत, बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है सिमिलर तरीके से आपको जब इस तरीके का जब सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको वाईफाई चाहिए केबल नहीं है तो आप एक्सेस पॉइंट लगाकर अपने जो लैन का नेटवर्क है उसको ओवर एयर एक्सटेंड करके आप लोगों तक तो पहुंचा सकते हो एक बात खत्म दूसरी बात कि अगर इस एक्सेस पॉइंट को आप यूज करना तो ये दो मोड में यूज हो सकते हैं एक स्टैंड अलोन होता है इसमें सिंपली आप स्विच लगा दो और ये आपका काम करेगा एक होता, लाइट होता है लाइट वेट होता है होता है मतलब वो डमी डिवाइस उसके पास ना दिमाग नहीं होता है तो उसको ना डब्लू से फिर उसके दिमाग चाहिए होता है वायरलेस कंट्रोलर बोलते हैं जिससे बहुत सारे एक्सेस पॉइंट मैनेज होते हैं मतलब आपके हजार एक्सेस पॉइंट है तो आप उसको डब्लू से मैनेज करके उसको कन्फिगर कर सकते हो उस पर कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हो कुछ चेक कर सकते हो ट्रबल शूट कर सकते हो तो अब जो जो पांच सौ एक्सेस पॉइंट है अगर किसी में ट्रबल शूटिंग करना है तो अगर आपका हो तो सब पे आप अलग अलग चेंजेस करना पड़ेगा सब पांच सौ करना पड़ेगा बट आप उसको WLC से मैनेज करते हो ना तो आप सिर्फ एक डब्ल्यू एल सी के डैशबोर्ड पे लॉग करना है और वहां से करने के बाद आपको सारी चीजें आप वहां से इजिली कर सकते हो तो वहां से आपका चीजें खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो वैसे आपका डब्ल्यू का, का काम हो जाएगा तो डब्लू बेसिकली वायरलेस कंट्रोलर विच रिस्पॉन्सिबल मैं यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यू एल सी इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज मल्टीपल लाइट वेट एक्सेस पॉइंट राइट और ये आपको एक सिंगल डैशबोर्ड देता है प्रोवाइड ऑल्सो प्रोवाइड मैं ऑल्सो प्रोवाइड Uh, one dashboard where uh, you can view current network WLAN network statistics, right, and do all. कॉन्फ़िगरेशन सो so, आप ट्रेवल सेटिंग भी कर सकते हो आप स्टेटिक्स भी देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रेवल सेटिंग भी कर सकते हो टी शर्ट भी कर सकते हो तो आपको जो करना है आप बैठे हुए डब्ल्यू एल सी पे आप सारी चीजें कर सकते हो डब्ल्यू एल सी इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द मल्टीपल लैब ए पी लाइक लाइट वेट ए पी इज एंड ऑल्सो प्रोवाइड वन सिंगल डैशबोर्ड जहां पे आप आप right? एंड देखने के बाद यू कैन डू ऑल कंफ्यूगेशन यू कैन डू द ट्रबल शूटिंग सो आपको जो भी करना है आप वहां से कर सकते ये डब्ल्यू एल सी होता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट ए को मैनेज करता है जिसको कंट्रोल दिमाग चाहिए होता है ये एक तरह से दिमाग ब्रेन की तरह काम करता है राइट आपको डब्ल्यू एल सी इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है जैसे ही कोई क्लाइंट पहुंचता है एपी के पास तो वो वहां से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इस क्लाइंट को क्या करना है सिंब ए पी होता है उसके अंदर डब्ल्यू एल सी इनबिल्ड होता है तो उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है बट ये दोनों चीजें आपको यूज होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ डब्लू के केस में तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा हो आप लोगों को ठीक है कि भाई हमारा डब्ल्यू एल सी क्या होता है और ये फायबल क्या होती है एक्सेस पॉइंट क्या होती है अब इस Center, ये जो हमारा है ये एच डी एक्सेस का एक कॉम्पोनेंट है जो डीएनए सेंटर जो है कंट्रोलर है जब हम बात करते हैं कि हमारे दो तरह का नेटवर्क होता है एक हमारे होता है कि नॉर्मल लेगेसी नेटवर्क होता है राइट नॉर्मल लेगेसी नेटवर्क जिसके अंदर हमारा सिंपल राउटर स्विच और आपका डब्ल्यू एल सी या एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं ठीक है एक होता है नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क नेक्स्ट जेन नेटवर्क अब इस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क के अंदर आपके पास जो राउटर भी होता है ना वो भी एडवांस हो जाता है जिसको बोलते हैं एस डी वैन जो हमारा वैन हो गया वो एस डी वैन हो गया अब लैन जो हो गया ना वो हमारा हो गया एस डी एक्सेस सो एस डी एक्सेस को हम लैन कहने लगे भी एडवांस हो गया तो अब जब हम एस डी एक्सेस की बात करते हैं और एस डी वैन की बात करते हैं जो बहुत ही एडवांस है अगर आप नेटवर्किंग सीख रहे हो तो फ्यूचर यही है आपकी एंड ऑफ द दी सीखना है एस डी वैन एस डी एक्सेस सीखना है आपको सी सी आई बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा बट यहाँ पे आपका एक कंट्रोलर यूज होता है डीएनए सेंटर यूज होता है जो भी आपकी एक तरह से डब्ल्यू की तरह ही काम करता है क्योंकि एक डैशबोर्ड होता है इस डैशबोर्ड के थ्रू आप क्या करते हो जैसे डीएनए सेंटर का डैशबोर्ड आपको मैं दिखाता हूँ गूगल पे देखो यहाँ दिख जाएगा आपको सेंटर डैश सो ये डैशबोर्ड जो होता है डीएनए सेंटर का अगर यहाँ पे अगर इमेजेस पे जाते हो तो ऐसा दिखेगा तो ये भी आपका क्या करता है कि जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं देखो ये डी सेंटर का डैशबोर्ड है आपके जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं नेटवर्क में लगे हैं उनका क्या हेल्थ है क्या कंफिगरेशन है कैसे कन्फिगर कर सकते हैं कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं नेटवर्क कैसे बिहेव कर रहा है वो सारी चीजें आपको बताता है और वो सारी चीजें क्या क्या हो सकती हैं वो सारी चीजें आपकी हो सकती हैं है। है। जो डी सेंटर से मैनेज होते हैं जो डी सेंटर एक आपका कंट्रोलर हो गया जो आपका कहीं बैठा है आपके नेटवर्क में एक सेंट्रल लोकेशन पे और ये क्या क्या मैनेज कर सकता है ये आपके जो राउटर्स होते हैं उनको मैनेज कर सकता है जो स्विच होते हैं उनको मैनेज कर सकता है राइट राउटर बेसिकली नहीं लेकिन इसमें जो स्विच होते हैं राउटर इसलिए एल थ्री राउटिंग भी समझता है तो राउटर भी आप इसको समझ सकते हो करता है बट आप इसको नेक्स की और कैट नाइनटी थ्री हंड्रेड स्विचेज की ही समझो जो एल थ्री की तरह काम करते हैं बट ये आईपी समझते हैं ठीक है स्विच हो सकता है आपके डब्ल्यू एल सी हो सकता है ठीक है ये भी नेटवर्क कंपोनेंट है आपके एपी हो गए राइट ये आपके क्लाइंट्स जो यूजर क्लाइंट्स है उनके स्टेटस चेक कर सकता है फिर आपका आई से इंटीग्रेट हो सकता है ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये जिसको डीनेक का पार्ट होते हैं जो डीएनए सेंटर हम बोलते हैं डीएनए एजकल टू डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर मैं यहां लिख देता हूँ डीएनएल टू डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर ठीक है सो so, आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है एंड डीएनए डीएनए ये बोलते हैं बेसिकली ये एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड होता है जहां से हम बैठे बैठे हम बहुत सारे चीजों को मैनेज कर सकते हैं जो हमारा राउटर स्विच डब्ल्यू एल सी पी क्लाइंट आईस डिवाइसेज होती है राइट तो ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ डीएनए ए नाम की कोई चीज होती है डब्ल्यू एल सी आपको पता है एंड पॉइंट आपको मैंने बता चुका हूँ कि एंड पॉइंट जैसे आपका लैपटॉप हो गया जो मैंने बहुत ही प्रीवियस सेशन में बताया था लैपटॉप हो गया पीसी हो गया सर्वर्स हो गए राइट राइट प्रिंटर हो गए मोबाइल फोन हो गए ये सारे आपके एंड पॉइंट्स में आते हैं पॉइंट right? में आपके आते हैं अब हम बात करते हैं सर्वर क्या होते हैं ठीक है तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हम इसमें समझ गए हैं अब सर्वर के बारे में मतलब बात करें सर्वर क्या होते हैं अब देखो सर्वर क्या होता है कि आपने नेटवर्क बना लिया ठीक है जैसे मानकर चलो कि नेटवर्क है अब इस नेटवर्क के अंदर आपको मान के चलो कि कोई डेटा बेस बनाना है जैसे आपको एक एफ सर्वर बनाना है एफ सर्वर की जरूरत क्या होती है कि जो भी आपकी कंपनी के रिलेटेड फाइल है जैसे एफ टी सर्वर जिस मैंने इसका नाम दे दिया तो जैसे कंपनी के रिलेटेड जो भी फाइल है आपके उस कंपनी रिलेटेड फाइल को कंपनी फाइल्स को आपको इसमें सर्वर में स्टोर करना है राइट तो इस तरीके से एक आपका एक हार्ड ड्राइव हो गया ठीक है आप समझो कि आपके एक सुपर कंप्यूटर हो उसके अंदर हार्ड ड्राइव हो गया जैसे ये मेरा सर्वर है मैं दिखाता हूँ आपको इस सर्वर के अंदर मैं यहाँ गया और जाने के बाद मैंने इस पे पासवर्ड जब डाला देखो मेरा सर्वर खुल गया अभी सर्वर के अंदर स्टोरेज है अभी स्टोरेज के अंदर मैंने बहुत सारे चीजें डाल रखी है जैसे मेरे पास डेटा बैकअप है रिकॉर्डिंग है सीसीएनए के बुक है जी कलर के बुक है मेरे पास सो बहुत सारे ई बुक्स मैंने डाल रखी है तो मैं सर्वर के अंदर पड़े पड़े हुए हैं जब भी मुझे चाहिए होगा मैं ले लूंगा सीसीआई की लैब है उसके अंदर क्या है कैसे कैसी है तो सर्वर के अंदर मैं डाल रखा है <coughs> तो मैं जब भी चाहिए होगा मैं सर्वर पर लॉग इन करूंगा और मैं इसको डाउनलोड करना सर्वर इज जस्ट वेरी पावरफुल टूल जिसके अंदर आपका बहुत तगड़ा हार्ड ड्राइव होगा बहुत तगड़ा देखिए इसमें जिसमें जिसमे चार टीबी की हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है और मोर देन चार टीबी है क्योंकि रेड में चल रहा है तो सात आठ टी की हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है इसमें और एस है साटा है तो ये सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं और इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस बेस मैं इंस्टोर कर सकता हूँ तो सर्वर ये जस्ट जहाँ पे आप अपने फाइल को होस्ट कर सकते हो आप एफ बना सकते हो कोई वेबसाइट होस्ट कर सकते हो कोई आप एक्सचेंज ईमेल सर्वर बना सकते हो तो सर्वर का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कंपनी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और वहां से आप बार बार उसको चेक कर सकते हो या डेटाबेस को बड़ा कर सकते हो मतलब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड आप सर्वर पे रख सकते हो ताकि आपको पता रहे कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है तो एक सर्वर हमारा बेसिकली स्टोरेज की तरह काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को हम उसको स्टोरेज करते हैं मैं पीपीटी बहुत ऐसा नहीं देख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा पीपीटी भी रेफर कर लेता हूँ कि ये लोग क्या कहते हैं तो ये लोग होस्ट रोल की बात कर रहे हैं वेब सर्वर की बात कर रहे हैं क्लाइंट फाइल सर्वर देखो यहाँ भी बात कर रहे हैं लोग तो फाइल फाइल सर्वर स्टोर द कॉर्पोरेट मैं वही चीज बता रहा था कॉर्पोरेट यूजर फाइल्स मैं दिखा रहा था द क्लाइंट डिवाइसेस एक्सेस दिज फाइल्स

और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नेटवर्क मीडिया भी हो गया टोपोलॉजी तो के बारे में बात कर रहा हैं हाँ ये चीज देखो मैं दिखा रहा था देखो ये आइकन दिखाने की मैं कोशिश कर रहा था बहुत ऐसे खोज रहा था मुझे मिल नहीं रहा था तो देखो इसमें अंदर आपका बहुत सारे आयकनस होते हैं तो मैं प्रीवियस क्लास में ही खोज रहा था कि देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस तरह देखता लैपटॉप इस तरह देखता है प्रिंटर इस तरह देखता आई पी फोन इस तरह देखता आई पी फोन भी आपके एंड डिवाइस होता है वायरलेस टैबलेट भी होते हैं वायरलेस राउटर होते हैं मल्टी लेयर स्विच लेल थ्री स्विच बोलते हैं इसको लैंड स्विच एल टू स्विच होता है राउटर होता है फायर अप्लायंस होता है आपका राउटर होता है ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फिजिकल इंटरफेस सारी चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आपकी चीजें दिखती हैं यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आपका सर्वर जो है स्टोरेज के लिए काम आता है जो उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो उसके लिए काम आता है अब हमारा क्या होता है पी होता है पावर ओवर इंटरनेट अब इसका मतलब क्या होता है सो so, पीओ अगर देखते हो पीओ स्विच के बारे में देखते हो मैं ऐसे फोटो दिखा रहा हूं आपको तो ये पीओ स्विच होते हैं तो पीओ स्विच का मतलब होता यह है कि सपोज करो कि आपने एक आईपी फोन लगा दिया ठीक है जैसे इस टेक्नोलॉजी में आप लोग देखो इसमें एक आईपी फोन दिख रहा है आपको <coughs> अब आईपी फोन का क्या चाहिए इस आई फोन को चलने के लिए अगर मान लेते हैं कि एक स्विच है इस स्विच से इस आईपी फोन को मैंने कनेक्ट कर दिया अभी आईपी आई फोन बोलता है कि मुझे ना चलने के लिए मेरे को पावर भी चाहिए अब तो पावर के लिए आप क्या करोगे अलग से एक आप इसके लिए पावर कनेक्शन दोगे और फिर इस स्विच को पावर मिलेगा अब हो सकता है कि इसके पास एक ही पोर्ट हो दो पोर्ट ना हो जिससे पावर चला जाए या स्विच से कनेक्ट कर लो तो बड़ी समस्या होगी फिर कैसे चलाओगे उसको आप तो अब आपका जो पी होता है ना वो बड़ा ही काम करने का चीज करता है तो पी करता क्या है तो पी का अगर जाकर आप सर्च मारते हो तो इसको बोलते हैं पावर ओवर इंटरनेट ठीक है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करती है प्रॉब्लम हमारी ये थी कि अगर हमारा ये आईपी फोन्स को अगर पावर चाहिए तो कौन देगा तो या तो मैं दो केबल दूं इसको कनेक्ट करूं एक पावर सोर्स से लगाऊं एक स्विच से लगाऊं स्विच क्या करेगा उसको नेटवर्क देगा और पावर पावर देगा तो ये तो बट इसके पोर्ट तो प्रॉब्लम है, है, पोर्ट ऐसा नहीं होता है तो फिर आप क्या करो नॉर्मल स्विच होते हैं ना उसके अंदर जो पोर्ट्स होते हैं वो पावर सप्लाई नहीं करते हैं मतलब उसमें इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन पावर का नहीं जाता है बट जो पी स्विच -E होते हैं ना वो क्या करते हैं वो आपके एक ही साथ दो काम करते हैं मतलब आपको पावर भी दे देंगे राइट आपको स्विच के थ्रू पावर भी दे देंगे और आपको लैन कनेक्शन भी दे देंगे तो दोनों काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पीओई स्विच तो अगर देखोगे डेफिनेशन में यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है अगर यहां पढ़ोगे आप कि पीओई इज द टर्मिनोलॉजी दैट अलाउ नेटवर्क स्विच टू ट्रांसमिट बूथ पावर एंड डेटा डेटा क्या हो गया ऑन इथरनेट केबल साइमटेनियसली सो so, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको सेम टाइम पे अगर आपको इथरनेट का लैन कनेक्शन चाहिए और पावर भी चाहिए तो आपको पीओई स्विच यूज करना पड़ेगा आपका नॉन पीओई स्विच जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लैन देता है तो मैं यहां लिख देता हूं आपके पास दो स्विच होते हैं नॉन पीओई स्विच होते हैं और एक होता है आपका पीओई स्विच होता है ठीक है तो पीओई स्विच आपका क्या देगा आपके डिवाइस के लिए पावर प्लस लैंड कनेक्शन ठीक है आपको ध्यान रखना है और नॉन पीओएस क्या देगा आपको ओनली आपको लैंड कनेक्शन ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है तो आपके जब आईपी पी जैसे एग्जाम्पल हो गया आईपी फोन्स को पावर चाहिए होता है राइट ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो कुछ आईओटी डिवाइसेस होती है उनको भी पावर चाहिए होती है ठीक है आई फोन आई डिवाइसेस कुछ स्मॉल प्रिंटर्स होते हैं आई थिंक मे राइट और रॉन्ग मैंने सुना है उनको भी पी की जरूरत पड़ती है इस तरह के कुछ डिवाइस होते हैं मैं एक बार गूगल पर सर्च कर लेता हूँ डिवाइस uh, सेस टाइप सो so, फॉर आपको मिल जाएगा <coughs> इमेज में जाते हैं तो शायद दिख जाएगा हमें देखो हब हो गया देख रहे हो आप ये पीओई स्निपर हो गया पीओई इंजेक्टर हो गया एंड फोन हो गया देखो सीसी कैमरा हो गया देखो यहाँ पे क्लियर आप लोग देखेगा सीसीटीवी कैमरा को पी चाहिए होता है आई फोन का बता दिया है कुछ आपका आ, ये आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होते हैं कुछ और कैमरा होते हैं तो ये सारे चीजों को हम पी चाहिए होता है देखो यहाँ भी देख रहे हैं आपको तो वॉइस ओवर आई पी फोन हो गया अलार्म सिस्टम हो गया आई टी डिज में आते हैं वीडियो फोन हो गए आईपी कैमरास हो गए ये सारे पीओई के लिए चाहिए होते हैं इसके कई वर्जन है पीओई प्लस एंड पीओई के होते हैं तो इस टाइप की डिवाइस होती हैं जिसको हमें हमेशा पावर देना पड़ता है तो उस केस में हमें पीओई स्विच की जरूरत पड़ती है ठीक है सो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमने इस सेक्शन को डिस्कस कर लिया और हम फिर अब आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में तो थैंक यू सो मच ठीक है विल कनेक्ट अगेन इन द नेक्स्ट सेक्शन